जय हिंद बच्चों। चलिए सभी अच्छे हैं, चलिए सभी का स्वास्थ्य अच्छा है। आशा करता हूँ कि सभी आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। चलिए आज हम चलते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के बहुत से इंपॉर्टेंट सवाल को हम लोग हल कर रहे हैं, और उसी के में भी एक है ना, मेंशनेशन सवाल है। करेक्ट, किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1707 सेंटीमीटर है एवं इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। देखते हैं बेलन की ऊंचाई कितना आता है। पहले फिगर से समझ लीजिए, है ना, फिगर से समझना बहुत अच्छा है। देखिए क्या है, बेलन है, क्या है, हम लोग बेलन बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना, बेलन। तो बेलन हम लोग बना रहे हैं इतना, है ना, क्या बना है, बेलन हम लोग बना रहे हैं, क्या बना है, बेलन, है ना। कैसे बनेगा, इस तरह, है ना, इस तरह, इस तरह बेलनाकार हो गया। क्या हो गया, ये बेलनाकार हो गया। क्या मालूम है, ऊंचाई निकालना है। देखिए ऊंचाई ये है बेलन की ऊंचाई, मालूम क्या है हम लोग को, त्रिज्या मालूम है 14, यहां से लेकर त्रिज्या है, यहां से लेकर यहां तक कितना है 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर है ना, ये भी 14 हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक, यहां भी त्रिज्या है सब, है ना। हम लोग को ऊंचाई निकालना है, क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है, ये निकालना है बेलन की ऊंचाई निकालना है, कौन सेंटीमीटर के है, है ना। आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम है, देखते क्या क्या मालूम है ना, चलिए सोल्यूशन बनाते हैं। क्या क्या मालूम है, बेलन का, है ना, बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, वक्र का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय कहिए चाहे जो भी कहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम है, क्षेत्रफल मालूम है, कितना मालूम है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर मालूम है ना। अच्छा मालूम है, और क्या मालूम है, आर मालूम है, क्या मालूम है, आर मालूम है, आर कितना मालूम है, 14 सेंटीमीटर, कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग निकलना कौन सी है, ऊंचाई है ना, इसलिए बेलन की ऊंचाई, इसलिए बेलन की ऊंचाई कहिए अच्छा है इंच कहिए, है ना, क्या है, इंच है। चलिए अब चलते हैं ना, इसलिए इंच बराबर क्या निकाल देंगे, इंच बराबर, है ना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कहिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए अच्छा है पृष्ठ क्षेत्रफल कहिए, है ना, क्षेत्रफल मालूम है, कितना मालूम है, बटा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा 2πr, क्या चीज, 2πr, इसको ध्यान रखिए। तो h बराबर हमको निकालना है, तो कितना है बेलन का वक्र पृष्ठीय में, कितना है 1760 है, कितना है 1760 है। चलिए 2π का मान कितना है 22/7 है, r कितना है 14 है, r कितना है 14 है, करा दीजिए तो 7 × 2 = 14 कर जाएगा, कर जाएगा ना। अच्छा और चलिए इसको करा दीजिए, 22/8 का होता है 22/76 से, तो कौन कटेगा 80 बार में, है ना, 0 है गो। अच्छा और 40 × 80 आप फिर 2 से कट जाएगा तो कितना आ गया 20, समझ आ रहा है, यहाँ कटा है, है ना, तो कितना आ गया हमारा, आ गया 20 सेंटीमीटर, है ना। बेलन की ऊंचाई कितना आया 20 सेंटीमीटर, देखिए कटा दीजिए, देखिए 1760 है तो 22 से कटाए, 22/76 गुजर हो गया 80, अच्छा कट गया, आ 7 × 14 कटा, आ 2 से कटाइए 40 × 80 आ फिर 2 से 20 × 40 यानी 20 सेंटीमीटर हमारा आंसर आया। आशा करते हैं समझ में आया होगा, थोड़ा सा हाँ है मुझे, है ना, तो कोई बताता, फिर से बताया, देखिए 7 × 14 कट गया ना, ठीक है 22/76 80 बार कटा, 80 बार में, अच्छा फिर कटाए 2 से 40 × 80 फिर 2 से कटाए 20 × 40 तो हमारा 20 आंसर आ गया। अब हम समझते हैं, आप समझ गए होंगे, अच्छा तो इस तरह हम लोग बेलन की ऊंचाई निकाल लेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम होगा और त्रिज्या मालूम होगा,
तो ऊंचाई हम लोग निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इस फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। इसको अच्छा समझिए और परीक्षा में जाइए और इसको बहुत कम समय में बनाकर आइए। अच्छा इसको देखिए समझिए। अच्छा जय हिंद जय भारत।